एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में स्थित सभी न्यायालयों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट का पुराना भवन टूट रहा है और कलेक्ट्रेट को पर्यटन भवन में शिफ्ट किया गया है, जिसका नया भवन बनना है, जिसको देखते हुए न्यायिक कार्य को लेकर अधिवक्ताओं व वादकारियों को समस्या हो रही थी। जिन जिन कोर्ट को वहाँ शिफ्ट किया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं की मांग थी कि कोर्ट यहीं से संचालित किया जाए, जिसको देखते हुए कलेक्ट्रेट के सभी कोर्ट का निरीक्षण किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट को पुराने भवन में ही संचालित किया जाए, जिनको टूटना नहीं है, जिसका निर्णय शुक्रवार तक ले लिया जाएगा, जिसके लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, तो अभी टाइम लगेगा। कोर्ट को बड़ा बड़ा हाल मेरे पास रहता है, तो 9 करोड़ रुपये से बन रहा है, हमको दो बड़ा बड़ा हाल 45 लग रहा है। नहीं सर, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल सर दे देंगे, इसी आ भी जाएंगे। हम लोग सहयोग के लिए जो है किसी भी बिंदु पर जान लीजिए बता रहा हूँ सर। तमाम अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोग न्यायिक कार्य हम लोग वहीं सब टेंट लगवाया जाए, वही नवा वैसे हम लोग बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा। सर वही बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकती है सर, जो है अभी यह सर व्यवस्था लागू हो जाए। अभी सर देखेंगे जो है एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल जो है उठा करके वहाँ कर दिया जाए, हाईकोर्ट में उठा कर डेढ़ महीने हुआ आदेश कर दिया, यहाँ कहा कि जो है जहाँ वकील रहेंगे वही न्याय न्यायालय चले। अलीगढ़ में तो वहाँ पर हम लोगों ने एक बिल्डिंग में 10 लाख रुपये खर्च करके मोटर एक्सीडेंट कोर्ट स्थापित कराई, बाद में फिर ये हमारा कलेक्ट्रेट का भवन पुराना टूट रहा है और उसके वजह से पूरा कलेक्ट्रेट शिफ्ट हुआ है पर्यटन भवन में, जिसमें न्यायिक कार्य को लेकर अधिवक्ताओं को और वादकारियों को समस्या उत्पन्न हो रही है। जिन जिन कोर्टों को वहाँ शिफ्ट किया गया है, उसी को लेकर अधिवक्तागणों की मांग थी कि कोर्टें यहीं से संचालित की जाए, उसी के संबंध में आज निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग और कोशिश ये करेंगे कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमारी कोर्टें पुरानी भवन में जहाँ पर टूटना नहीं है जिन भवनों को उनमें कहीं संचालित किया जा सके, उसी को लेकर निरीक्षण किया गया, जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। अभी कुछ कोर्टें हम लोगों ने चिन्हित की हैं और जहाँ पे पूर्व से कुछ अधिकारी बैठते हैं उसी में अपनी कोर्टें भी शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे और इसको लेकर विचार कर रहे हैं।